वे कहते हैं यह क्या करते हो, कहीं हिंदू मुसलमानों में मेल हो सकता है? कुरान की शिक्षा ही अनुदार बनाने वाली है। मार काट और निर्दयता की कठोर व्यवहार शिला पर मुस्लिम धर्म की नींव पड़ी है, उसमें और हम में मेल कैसा? दूसरी ओर से आवाज आती है, काफिरों से मेल कैसे होगा? ये बुत परस्त हैं, इनके धर्म में ऊंच नीच का संकुचित भाव नहीं थे। हमें म्लेच्छ कहकर संबोधित करते हैं, उनसे मेल नहीं हो सकता। हम अपने पाठकों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी इच्छा तिनकों का भवन खड़ा करने की नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम ऐक्य के सब्ज बाग दिखाकर न तो हिंदुओं को ही और न मुसलमानों ही को यथार्थ परिस्थिति से आंख मूंदने को कहते हैं। हम यह जानते हैं कि एक दूसरे के परंपरागत से आगत विश्वासों में गहरा अंतर है, परंतु राष्ट्रों और समाजों का उत्थान मतभेदों और विभिन्नताओं के प्रदर्शन से नहीं होता। यदि हिंदुओं में अनुदारता है तो धर्म, देश, समाज, व्यवस्था और संस्कृति की रक्षा के नाम पर उन्हें संकुचित अनुदारता दूर करनी होगी। यदि मुसलमानों के परंपरागत विश्वास वर्तमान मानव की उच्चतम शालीनता के अनुकूल नहीं है तो उन्हें भी इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अन्य मुस्लिम देशों के निवासियों ने युग धर्म की आवश्यकता अनुभव की है, क्या भारतीय मुसलमान युग धर्म की लपेट से बच सकते हैं? कोई भी युग धर्म की लहर से नहीं बच सकता, सबको उसके अनुकूल अपने को बनाना पड़ेगा। उज्जवल भविष्य की आशा हमारे मन में काम करती है। निराश होने का अर्थ तो यह होगा कि हम मनुष्य के उत्क्रांतशील स्वभाव में विश्वास नहीं करते। हमारा दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य की प्रगति देवत्व की ओर हो रही है, पशुत्व की ओर नहीं। यही कारण है कि आज भारतवर्ष में हमें समुद्र मंथन के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार के अंधकार के बाद प्रकाश की किरणें अवश्य मेव आती है। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में फ्रांस में भी धार्मिक कट्टरता का ऐसा ही एक तूफान आया था। धार्मिक अत्याचार बढ़ रहा था। प्रोटेस्टेंट लोगों को नष्ट करने और उन्हें तितर बितर करने के लिए सरकारी फौजों तक से काम लिया गया। धर्म ढोंगी पादरी लोग बड़े प्रसन्न थे। वे अन्य संप्रदाय के पादरियों को फांसी पर लटकते देखने को लालायित थे। उन्होंने समझा कि आज से हमारी विजय के दिन फिर से प्रारंभ हुए। लेकिन 40 बरस भी बीतने न पाए कि फ्रांस में कट्टरता का समूल उच्छेदन हो गया। हमारे देश में इस समय जातिगत वैमनस्य और आसुरी विद्वेष खूब फैल रहा है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी है जो हृदय सिंधु मंथन की तैयारी कर रही है, और हमारा विश्वास है कि इस समुद्र मंथन से देश के लिए अमृत प्राप्त होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी, समुद्र मंथन का एक अंश।